किया, चाहे आप देख लेना करके, जितना 8-10 दिन के अंदर वजन आपका कम होगा, 5-7-10 दिन के अंदर उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, कारण नहीं खोज पाए। पहले हम सोचते हैं कि बिल्कुल अति कर दी जाए व्रत के साथ, लेकिन फिर अति करते हैं हम खाने के साथ, मध्य में नहीं रुक पाते, और मध्य के बिना ठहराव नहीं है। अति किसी भी प्रकार की हो, अति अति ही होती है, अति के अंदर नहीं हो पाएगा। अति के अंदर क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि ये योग न तो ज्यादा खाने वाले का सिद्ध होता है, न ज्यादा सोने वाले का सिद्ध होता है, ये जो मध्यम है उसी का ये योग सिद्ध होता है। तो ये जो योग है, ये है बड़ा आसान, इससे आसान कुछ भी नहीं है। आपने महात्मा देखे, बहुत बहुत वर्षों से बैठे हुए हैं, हमने भी बहुत महात्मा देखे जो लगातार भजन कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत समय बीत गया, 50-50 वर्ष हो गए जिन्होंने कीर्तन करते हुए, कथा करते हुए, लेकिन नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो हम आपको सिखा रहे हैं, जहां हम आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक कदम भी बढ़ गया तो बढ़ गया, पीछे आने के लिए कोई रास्ता है नहीं। अगर हमारे अंदर आगे बढ़ने की इच्छा हो, अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो वापिस नहीं ला पाएगा कोई। लेकिन अनुभव नहीं कर पाए हम, अनुभव से जो हमें सीखना था वो नहीं सीख पाए। कल भी वही किया, परसों भी वही किया, पीछे भी वही किया, बार बार हम एक ही वस्तु को दोहराए जा रहे हैं। जितना हम दोहराते चले गए उतना हम पीछे हटते चले गए। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक अनुभव का फायदा भी नहीं होगा। आपने कितने शास्त्र देखे होंगे, कितने वेद ग्रंथ उपनिषद बहुत भरे पड़े हैं संसार के अंदर, आप उनसे कुछ नहीं खोज पाओगे, चाह करके भी नहीं खोज पाओगे, उसका भी कारण है क्योंकि तो जब हम अपने जीवन से ही नहीं सीख पा रहे, जो हमारे सामने है वही नहीं देख पा रहे, तो जो पुस्तकों के अंदर भरा पड़ा है उसको हम कैसे देख पाएंगे, उसे हम कैसे अनुभव ले पाएंगे, उसे हम कैसे सीख पाएंगे, नहीं सीख सकते, नहीं पा सकते। लेकिन जब हम अपने अनुभव से सीखने लग जाएंगे, सब कुछ अपने आप निकलता चला जाएगा। फिर हमारे एक एक जो शब्द ग्रंथों के अंदर वर्णित कर दिया गया है, सब कुछ समझ में आने लगेगा और सब कुछ खुलता चला जाएगा। कोई भी द्वार ऐसा नहीं होगा जो बंद हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल टूटता चला जाएगा। ये भ्रम के साथ साथ जितना भी जाल है ये माया का, सबका सब टूट जाएगा। लेकिन हम अनुभव से सीख नहीं लेते। आपने महाभारत में सुना होगा, पांचों पांडव जंगल के अंदर जब जल लेने के लिए गए, यक्ष ने कहा, एक सवाल किया यक्ष ने कि इस संसार में सबसे आश्चर्य में क्या है, तभी मैं जल लेने दूंगा, तभी ये जल ग्रहण करने दूंगा, वरना तुम्हारे प्राण ले लूंगा। क्योंकि यक्ष को बांध दिया गया था वृक्ष के साथ और नियम बना दिया गया था, वचन दे दिया गया था। आज भी कुछ ऐसी आत्माएं हैं, हमारे पास भी आते हैं, देखते भी हैं, जो बहुत बांध दिए गए हैं, जो खुल नहीं पाते, जो कील दिए गए हैं, तो इसी प्रकार से उसको भी बांध दिया गया था। तो उनको वचन दिया गया था कि जो भी तुम्हारे प्रश्न का इसका उत्तर देगा, तुम आजाद हो जाओगे। इस कारण से यक्ष कह रहा कि जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, मैं ये जल भी नहीं ग्रहण करने दूंगा। उन्होंने प्रश्न किया कि संसार में सबसे आश्चर्य में क्या है। एक एक करके चारों पांडव देते चले गए, कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। युधिष्ठिर आया, सवाल बड़ा सरल है, आप लोग भी सोचते होंगे कि हम होते उस समय तो उत्तर दे देते, लेकिन नहीं दे पाते।
क्योंकि अनुभव ही नहीं, सीखा ही नहीं, जाना ही नहीं। सवालों के उत्तर जो हमने देखे, जो हमने सुने, जो हमने बोले, तुमको हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब समय आता है नहीं ठहर पाते। जानने के बाद भी जो अपना अहंकार है, जो अपना भाव है, ये नहीं जुड़ पाता, और जो विचार है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। सब कुछ खेल यहीं का यहीं रह जाता है। तो युधिष्ठिर जी आए तो उन्होंने उत्तर दिया, कोई बड़ा लंबा छोड़ा उत्तर नहीं था, सिर्फ यही बात थी कि मनुष्य अपने अनुभव से सीख नहीं लेता, यही सबसे आश्चर्य में बात है। सबसे आश्चर्य में कि जो हो रहा है उसे सीख नहीं ले पाता। आप भी देख लेना, महीने के अंदर कितनी गलतियां, हर रोज कितनी गलतियां करते रहते हैं। एक डायरी लगा लेना आप, और जब लिखते चले जाएंगे तो ज्यादा गलतियां नहीं, 20-30-50 गलतियां हर महीने वही, हर रोज वही, हर महीने वही, तो इसी तरह से दोहराते चले जाएंगे। लेकिन जीवन का कुछ पता नहीं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चलेगा, क्या सीखना है, नहीं सीख पाते। जब हम क्रोध से सीख लेंगे, क्रोध का सार निकाल लेंगे, क्या तत्व निकला है। जब हम काम से सीख लेंगे, जब हम वासना से सीख लेंगे, एक एक वस्तु से हम मोह से सीख लेंगे, माया से सीख लेंगे, अपने पराये से सीख लेंगे, तो सीखते चले जाएंगे और उसका रस निकलता चला जाएगा, और जो वो रस प्राप्त होगा उसका फिर कोई जोर नहीं होगा। जिस प्रकार से आप ये समझें, उसको को एकत्रित किया जाए, दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए, वो बहुत ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। चाहे आप उन्हें तिजोरी में रख लीजिए, चाहे आप उन्हें फ्रिज के अंदर रख लीजिए या स्टोर के अंदर रख लीजिए, ज्यादा दिन नहीं, मुरझाते ही चले जाएंगे, सूखते ही चले जाएंगे, और उनके अंदर बदबू पैदा होने लगेगी और दुर्गंध आने